ने कहा कि आप अपोस्टल जेम्स का रिक्वेस्ट है टू शेयर अ शॉर्ट वर्ड एंड एज आई वाज प्रेइंग जस्ट अ लिटिल वाइल अगो मुझे लगा परमेश्वर ने ये वचन दिया है आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए अ शॉर्ट वर्ड जस्ट अ वर्ड ऑफ ऑफEncouragement ये ये जो शब्द था मेरे जीवन में भी आया एज अ ग्रेट वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट एंड लेट्स गो ऑन लुका के अंजील पहला अध्याय लूक चैप्टर वन वर्सेस इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन एंड वर्सेस एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी तो यहाँ पर अच्छा शी कैन रीड इट आउट देन इज समी रीडिंग इट आउट या ओके लुका की पहला अध्याय ग्यारह बारह और तेरह और फिर अठारह उन्नीस और बीस हो यस यस पास्टर पढ़ू प्लीज पढ़िए प्लीज पढ़िए लुका का पहला अध्याय ग्यारह वचन उस समय प्रभु यीशु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया yes, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया परंतु स्वर्गदूतों ने उससे कहा हे hey, जकरिया भयभीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम युहन्ना रखना Amen. और पढ़िए अठारह उन्नीस और बीस एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा यह मैं कैसे जानू क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ बूढ़ी हो गई है स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया मैं जिब्राइल जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे ये बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा इसीलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतिति न की amen amen आइए एक मिनट और प्रार्थना करेंगे के पिता इस शाम के लिए धन्यवाद देते हैं आपके लोग जो इकट्ठा हुए हैं लॉर्ड इन व्हाट अ मैन पीपल ग्रुप

ये uh, yeah, हम लोग आज इस का लास्ट दिन है and at the end of the feast, कुछ दिल में दुख भी है और खुशी भी है कि वी वेंट थ्रू वेरी गुड टाइम वेरी ब्लेड टाइम और यहाँ पर जो हम लोग वचन का मैंने जो निकाला है हिस्सा ये जखारिया ना ये वो जखारिया नहीं है जो पुराने नियम का जखारिया है ये नए नियम में जो आ, राजा ही वाज देर हेरोड राजा उसके समय यीशु मसीह के पैदाइशी के कुछ समय तो वो वो सीन है और तो एक्चुअली अगर हम लोग ठीक से उस पूरे को पढ़ेंगे तो वी विल फाइंड इट रिलेट्स टू ऑफ योम बिकॉज़ इसके वर्णन में यही समझ में आता है कि मुख्य उस समय के लिए जखरिया ये जखरिया थे और वो मंदिर के परम पवित्र स्थान में ही थे साल में एक बार ही यहूदी लोग परम पवित्र स्थान में जाते हैं और परमेश्वर का नाम दस बार लेते हैं और वेदी पे ऑन द अल्टर दे प्लेस द ऑल द वेरियस कस्टम देर इट्स लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट इट सीम्स टू बी द फीस्ट ऑफ योम किपुर आई हैव नो डाउट अबाउट दैट इसके बाद वी कम टू सुकौत दैट्स द एंड तो मैं जब देख रहा था उसको तो मुझे ऐसा लगा मे बी द लॉर्ड विल स्पीक टू अस हम लोग को पर्सनली बिकॉज जिस समय बाइबल में लो इस हिस्सा को पढ़ते हैं वी फाइंड दैट जखारिया और उनकी पत्नी एलिजाबेथ जो मरियम माँ मरियम की कजन थी इनके बच्चे नहीं थे और नहीं। काफी उम्र हो गई थी दिल में एक भार रहता है कि ये हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ हालांकि हमने कोई पाप नहीं किया सो विद दैट बैकग्राउंड वी जस्ट लुक एट दिस द लॉर्ड स्पीक टू अस दिस दिसकाउंटर हैज विथ गेब्रियल तो हम लोग देखते हैं ग्यारह बारह बारह बचन में कि जखरिया घबरा गया इस इनको देखकर एंजल को देख के मगर वो स्वदूत ने उनको बोला बी हैप्पी बी रिजॉय परमेश्वर की ओर से आई अ ब्लेसिंग टो यू एज वी गो ऑन मेरी सबसे रिक्वेस्ट इस समय अगर आप अपने दिल में परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मेरे दिल में दो तीन तमन्नाएं रह गई है so, ज्वाइन किए हुए हैं आप लोग सब इसी आत्मा में आ, इस मैसेज को सुने द लॉर्ड विल स्पीक टू यू अब जब ये स्वरदूत गब्रियल एकाएक एक वहां पर आता है डर जाता है और इमीडिएटली स्वर्गदूत उसको बोलता है डोंट वरी डोंट बी अफ्रेड तेरी प्रार्थना सुन गई है सुन ली गई है योर प्रेयर हैज बीन हर्ड दैट मींस दिल की प्रार्थना क्योंकि उस समय ये प्रीस्ट ज़खरिया अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था वो अपने देश और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था उनके पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का सीजन था एंड इन दैट प्रोसेस सडनलीस टू हिम योर फ्रेयर उसको कहा कि तुम और तुम्हारी पत्नी को एक लड़का होगा और उसका नाम तुम जॉन योहन रखना Now,

ये बात सच है यू you नो know, शायद मैं सोचता हूं कभी कभी आई थिंक वेन आई लुक एट दिस वर्स ओवर एंड ओवर अगेन डिड ही आस्क एंड से हाउ कैन इट बी और डिड ही एक्चुअली से प्रूव इट टू मी एंड आई थिंक दिस इज अ की। एक चाबी है पहला चा भी कि जब जखरिया यह आवाज सुनता है ही वॉन्ट्स प्रूफ एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग गॉड इज स्पीकिंग टू समबडी हियर इफ वी आस्क गॉड फॉर प्रूफ देन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मेरिकल्स कैसे हो सकता है आई कैन लुक बैक इन टू माई ओन लाइफ जब आज से लगभग मोर देन थर्टी ईयर्सो कुछ ऐसी ऐसी बात हुई आई वेंट टू द ऑर्थोपेडिक उसने मेरे पीठ का एक्सरे देख डा के बोला कि दो साल के बाद भाई साहब अब चल नहीं पाओगे ही एक्चुअली सेड यू विल वॉक लाइक दिस एकदम ये ऐसे में ऐसा हो जाएगा दो साल के अंदर में इट्स अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट दिसिकल ऑफ गॉड आई वेंट टू वन ऑफ़ द नंबर टू ऑर्थोपेडिक ऑफ बॉम्बे कारखाने डॉक्टर कारखाने जिसकी फैक्ट्री गोल्सपोर्ट फैक्ट्री बॉम्बे में उसके सामने है सो इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ डीप हम लोगों की जरूरत है और इट इज क्वेश्चन ऑफ गॉड्स लव क्योंकि उस समय आई एम श्योर जखरिया उस चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था बच्चे के लिए बिकॉज जब गब्रेल ने उसको कहा कि बच्चा होएगा तो उसका रिएक्शन क्या था ये कैसा हो सकता है हम लोग दोनों बुढ़े हो गए सो ऑब्वियसली ही वाज नॉट प्रेइंग फॉर दैट बट द मैसेज फ्रॉम गॉड केम एंड आई फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू से टू ऑल ऑफ अस हियर गॉड लव्स यू एंड गॉड लव्स मी गॉड नोज़ हाउ मच आई एम क्राइंग फॉर समथिंग परमेश्वर जानते हैं हम कितना तरस रहे हैं परमेश्वर जो हमको प्यार करते हैं जो हमारे आसमानी बाप है उनको देना आता है अपने समय से उन्होंने एक गिफ्ट बोला जखरिया को बट जखरिया ने वो किया जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स करते हैं ज्यादातर करके How can it be? How is it possible? And many of us who want something from God are in that same stage where we want a miracle, we want a blessing, but we do not believe God can do it. And so we ask in a very strange manner i will help you to, in case you are too serious, let me bring a little smile on your face before i go ahead. i was taking a bible study somewhere in Pune, or this my bible study, i was talking about the miracle of god and the blessings of god and a particular incident in bible study, and uh, it was also it was on the kingdom of god and then i talked about how god did many things and i also then opened the forum and one person got up and said yes pastor uncle sawal hai god spoke creation took place आई एम एजुकेटेड पर्सन मैं बहुत चीज लॉजिक से चलता हूं तो हालांकि आई एम चर्च बाइबल स्टडी लीडर मैं फिर भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हाउ इज ऑल दिस पॉसिबल जो हम लोग बोलते हैं मेरिकल हाउ इज इट पॉसिबल कैसे हो सकता है ये एक्चुअली पॉसिबल है गॉड के मेरिकल्स का अनाइ सर की ऑल राइट आई विल आंसर योर क्वेश्चन विथ अनदर क्वेश्चन अगर आप मुझे एक uh, सवाल का जवाब देंगे सिंपल सवाल का जवाब देन इसी आपके जवाब से आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो यू विल गेट योर आंसर बिकॉज़ आई टोल्ड हिम अगर उठा के देखे तो हर जगह मेरिकल है क्रिएशन इज़ एज मेरिकल बट ही नॉट हीस्ड सो आई आज या भाई साहब मुझे याद नहीं वॉट सेड, आप मुझे समझाइए कि एक काला भैंस हरा घास खा के सफेद दूध कैसे देता है And he was shocked. He said, Magar, that is natural. I said, what do you mean by natural? I also laughed. Everybody was a huge crowd there. And he said, Pastor Sahib, my man, yeah, thank you. He received his answer. How can it happen? Or, I feel there are two or three people here on this group, larger group, who have this question in their mind: Can God do it? We are so accustomed to logic that we do not realize that in life may more than 90% of the things that we see every day may. रिप्लाई नहीं है There is no answer. We just say, एक ही चीज में हमने कवर कर दिया सवाल पूछा Today he is a pastor. I say this आई से encouragement बिफोर वी गो ahead. तो जखारिया के साथ इसी तरह की चीज हो रही थी कैसे हो सकता है जब उस आदमी ने मुझसे ये सवाल पूछा आई वॉज लाफिंग मगर मन बी लुक एट द स्क्रिप्चर जो हम लोग ने अभी पढ़ा है के पहला अध्याय में यहाँ हम लोग देख रहे थे देख रहे हैं कि गब्रियल हंसा नहीं गब्रियल को उल्टा गुस्सा आ गया ही गॉट वेरी एंग्री एंड आई वॉन्ट टू सी ऑफ दैब्रियल एंड द ब्लेसिंग क्योंकि हम लोग के बीच में हमारी रोज की रिक्वायरमेंट क्या है चंगाई हीलिंग डिलीवरेंस प्रॉब्लम्स, पैसा फाइनेंस आत्मिक जीवन अलग अलग तरीके की हम लोग की प्रॉब्लम्स है और मैं वो प्रॉब्लम्स को कह रहा हूं जिनका ऐसा लगता है कि उसका कोई आंसर ही नहीं है एंड ऑल ओवर फेस दिस प्रॉब्लम नाउ हियर इज़ सिचुएशन वेर द लॉर्ड हैज सेंट अ मैसेंजर इज ओन मैन इज ओन ग्रेट पर्सन गेब्रियल और इलिजबे के दिल को देखकर उनकी सेवा को देखकर उनके प्यार को देखकर उन्हें आशीष दिया और हम लोग जब देखते हैं आई वॉन्ट अस टू टर्न विथ मी टू बस नाइनटीन क्योंकि वर्स 18, 18 वचन में हम लोग देखते हैं जखारिया पूछता है कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता हम तो बूढ़े हैं बूढ़े आदमी है या मेरी केस इज अ गॉन केस मैटर इज क्लोज नथिंग कैन हैपन एंड जो 19 वचन में इसका जवाब है गैब्रियल का वो वो जवाब ही आज का सब्जेक्ट मैटर है वो कहता है एंड दंसरिंग हिम सेम आई एम गेब्रियल पहला चीज मैं घबरेल हूं मतलब मैं कोई छोटा मोटा चीज नहीं हूं मैं घबरेल हूं नंबर वन मैं वो हूं जो खुदावन के सामने खड़ा रहता हूं और मैं भेजा की तीसरा चीज मैं भेजा गया हूं तुझसे बात करने के लिए यह खुशी का खबर तुझको देने के लिए तीन चीज नंबर वन मैं ग्रह हूं मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं भेजा गया हूं तुझको ये वचन या प्रॉमिस या खुशखबरी देने के लिए अब इन बातों को ठीक से देखें जेम्स टाइम थोड़ा ओवर स्पिल हो जाएगा इज इट ऑल राइट टेन मिनट्स का ट्वेंटी मिनट्स होएगा इज इट ऑल राइट फास्टर जेम्स मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा टाइम दौड़ोग प्लीज गो अहेड ऑन राइट सो वी फाइंड सेज this verse, and he's speaking, number one, he is speaking in present tense. i, not was, in the presence of god, not i'm going to be in the presence of god, i live in the presence of god.

हम उठते बैठते हैं चौ जाते हैं हम वचन देते हैं ये जो भी है सो आई लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड बट आई हैव टाइम ऑन लुकिंग एट दिस वर्स दिस फ्रेज ये कहना कि मैं परमेश्वर के सामने हमेशा खड़ा रहता हूं एंड इन दैट लाइन ये मैंने लगातार उसका लगातार वैसा रहता हूँ उस अगर उस हिसाब से देखें और हम लोग एक बात को समझने की कोशिश करें अगर हम कहते हैं परमेश्वर के सामने हम हमेशा रहते हैं हम परमेश्वर की नज़र में हैं आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड आई कीप प्रेइंग आई एम फास्टिंग आई एम गिविंग द वर्ड ऑल दिस थिंग्स आपके सामने चार या पांच परिस्थिति रखते हैं फरअ टू अंडरस्टैंड अगर हम लगातार धूप में खड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा आई विल गेट अ सनस्ट्रोक एमआर आइट और उसी तरह अगर हम लगातार बारिश में खड़े रहेंगे तो हमें क्या हो जाएगा सर्दी लग जाएगी yes. अगर हम लगातार आग में खड़े रहेंगे तो हम जल जाएंगे एकदम आई विल बिकम सिंड्र सिंड्र या आपको अच्छा एक और उदाहरण दे अगर आप दिन में एक घंटा मछली मार्केट में समय बिताएंगे तो आप जब तक घर आएंगे तो आपके पास कैसा बास आएगा मछली का लोग ऐसा करके भाग जाएंगे नाक बंद करके भाग जाओ भाग जाओ मछली का बास वाई एम आई सीइंग पीपल विल नो पर लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमारा समय कहाँ बीतता है हमारे हमसे क्या निकल रहा है एक्चुअली आपके बॉम्बे में विला पार्ले में बिस्किट फैक्ट्री है पार्ले बिस्किट पार्ले पार्ले बिस्किट एक पार्ले yes, yes, पार्ले बिस्कुट पार्ले बिस्किट पार्ले बिस्किट के इन बॉम्बे क्या है, हम दिन भर हम में रहते है ना तो घर आते है दो चीज होता है हमारे साथ क्या said, पहला चीज आई स्मेल ओनली ऑफ पार्ले बिस्किट तो मेरी वाइफ बोलती है जाके पहले तुम नहाओ और सेंट लगाओ देन यू कम मी, बिकॉज यू आर स्मेलिंग लाइक अ बिस्किट मैं इसलिए बोल रहा हूं हम लोग जिस परिस्थिति में रहते हैं उसका स्मेल असर तो पड़ने ही वाला है आई होप लॉर्ड इज स्पीकिंग टू यू एक हंसी की बात उसने हमसे कहा क्योंकि हमारे पास इतना स्मेल आता है हमारे घर में हर तरह की बिस्किट आती है पाले बिस्किट नहीं आती है बिकॉज मेरी फैमिली बोलते हैं यू आर ऑलवेज स्मेलिंग ऑफ पाले बिस्किट and i as i say this to you i am saying this that we need to be soaked in the presence of god When we look into the Bible of some of the people who spent time in the presence of God We can look for instance into John the Revelator, the last book of the Bible Book of Revelation. It says Bible make he was in the in the आइलैंड ऑफ पॉटमोस और वहां पर एकदम अकेला था और किसके साथ था परमेश्वर के सामने साथ था कंटिन्यूसली इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड उस पर असर क्या हुआ उसने विजन देखा एंड आई पुट दिस चैलेंज बिफोर यू दैट इफ वी आर रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली गॉड कोई ना कोई पवित्र आत्मा का दान हम लोग से निकलते रहेगा कोई ना कोई परमेश्वर का कुछ ना कुछ निकल जाएगा वो असर है हमारे ऊपर उसी तरह अगर हम लोग मोशे के जीवन को देखें मोशे तो एक मर्डरर, क्या बोलते मर्डरर? ही वो अ खूनी था परमेश्वर ने उसके दिल को देखा ना आप अपनी कमजोरियों को ना देखें जस्ट लुक एट वन थिंग डू यू हैव अ हार्ट टू लव द लॉर्ड एंड सर्व द लॉर्ड God is looking at that. And God has a plan in your life and my life with that. more than almost fifty years ministry, many The greatest servants of God have all had bad backgrounds, questionable backgrounds or shartaraki weaknesses. उनकी लाइफ्स को निकाल के देखे कोई भी किताब है में रीड दिस बुक्स मैनी बुक्स ऑफ वेरियस राइटर्स एवरी वन दैट आई हैव रेड आई फाउंड दैट उनका बैकग्राउंड पहले बहुत गड़बड़ था हाउ गॉड चेंज सो यू एंड आई आर इन दैट कैटेगरी मोशे तो एक खूनी था मगर हम जब मोशे के जीवन को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बचपन से ही उसकी पैदाइशी से ही Obviously, he was chosen, so that's why he was in that basket and he was set aside. And how he finds in the, his way, God navigates for him into the palace. senior, and he was in fact uh, around the age of forty, when he goes out and uh, he finds the Jewish fighting with the Egyptian. He goes and fights for the Jewish man. he knew He knew. So Moses knew who he was. But when he He was out in the wilderness. Which we sometimes call 40 years of Bible college God sent him into. He totally forgot. Who he was. But God did not forget. A to challenge Karraho. Every one of us who are here who has saved and knows the Lord, God has a plan for you and for me. He knows, he remembers. We forget. Moses forgot. God remembered. Samuel forgot. God had to remind Samuel.

God has chosen you. And if God has chosen you, God has a plan. And He does not forget. God may use for 30, 40, 50 years or 30 or 10 years. Some people God may use for just 5 years, but God has a plan for you. And He remembers. Moshe forgot. बर्निंग बुश में हमने सामना जब हुआ वो कप उस समय ही डाइड टू हिमसेल्फ एंड वो वो कप टू गॉड उस दिन एक नया मोशे पैदा हो गया हम लोग देखते हैं आय की किताब निकालिए मत छठा अध्याय आय के लॉर्ड लिखा है आई मे इन दिंग नबी था मगर ऐसा लगता था कि तब तक उसका कोई अंदर आग नहीं लगा था फिर भी वो चुना हुआ था और जब वो परमेश्वर के सामने आमने सामने आया तो वो बोलता है हाय हमको हाय हाय हमको क्योंकि मैं पापी हूं When we are in the presence of God, उसका असर हम पर जरूर आएगा और जब हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट इज अ थिंग कॉल्ड विजिटेशन, कि परमेश्वर हमें विजिट करेंगे जो लोग डीपली प्रार्थना में रहते हैं रेगुलर प्रार्थना में फास्टिंग एंड प्रेयर एंड वेट अपॉन द लॉर्ड nine out of ten times, visitation I can talk about it myself. When I tasted for the first time of this visitation and God wants to visit you and talk to you. God wants to turn things around for you. God wants to say,

की बात है कंटिन्यूस टेंस एंड तीसरा आई एम सेंट टू स्पीक अं टू दी मुझे भेजा गया तुमसे बात करने के लिए वी हैव कम टू दी एंड ऑफ दिस सीजन और आई एम श्योर एवरी वन जो इस फेस्टिव सीजन पिछले तीन हफ्ते से इन्वॉल्व हुए थे वेरियस फीस में आपकी पार्टिसिपेशन यू आर ब्ले बट गॉड वांट्स वॉन्ट्स टू बी अ ब्लेसिंग नॉट जस्ट बी ब्लेस्ड अगर इफ आई एम जस्ट ब्लेस्ड तो दैट विल बी लिटिल बिट सेल्फिश बट इफ वी आर अ ब्लेसिंग टू अदर्स ट गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम असरिया जब अंदर था परम पवित्र स्थान में जब हम लोग ठीक से देखते हैं तो परम पवित्र स्थान में था वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और पश्चताप कर रहा था और परमेश्वर ने कहा अब समय आ गया है इसको आशीष देने का एंड सो इट सीम द लॉर्ड टू गेब्रियल गो राइट डाउन गो 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 एंड टेल आई एव रिमेंबर्ड एंड आई एम गोइंग टू ब्लेस हिम बाई देट और आई एम स्पीकिंग टू पीपल एंड आई कैन क्लियरली से लॉर्ड इज टेलिंग मी यस दिस वर्ड आई एम स्पीकिंग टू पीपल तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं जिसके पास आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आप से बात कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना उनके सामने आप रखते हैं यू कैन टेक इट टू द लॉर्ड स्पीकिंग टू यू टूडे देर इज ओनली वन थिंग कंटिन्यूसली टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड नॉट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ी कमजोरी है स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ एंड आई क्लोज विद दिस वन और वो है जोब की किताब बयालीस अध्याय और दस वचन द बुक ऑफ जोब चैप्टर फोर्टी टू एंड वर्स टेन इंग्लिश में है जोब 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 चैप्टर forty two and verse ten in English I'll read out in English it says and the Lord turned the captivity of job when he prayed for his friends, also the Lord gave job twice as much as he had before. When job prayed jabu job ne pratna kiya, अपने दोस्तों के लिए उन दोस्तों के लिए जो लोग गलत थे वो कोई संत नहीं थे तब परमेश्वर ने क्या किया को बारिश आशीष दिया हाउ टाइम्स यू नो इन ग्रुप वी गेट प्रे रिक्वेस्ट प्रे फॉर दिस प्रे फॉर दैट हम लोग सब अपने लिए मांगते हैं कोई कोई लोग अपना दूसरों के लिए भी मांगते हैं but you know, in the prayer uh, group, i can look into an attitude. and god, who knows how to supply all our needs, is looking for a change in attitude. at the end of this season, jo feast ka season complete, hua hai, क्या बदलाव आया है हमें वॉट इज द चेंजेस इन मी आई नीड टू आस्क एंड एम आई रेडी फॉर माई मेरेकल इफ यू आर रेडी फॉर योर येरेकल वी हैव अ मेरेकल वर्किंग गॉड हु वॉन्ट्स टू ब्लेस अस god bless you all and shalom him to everyone god bless amen amen amen